नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सरल सिलाई ए टू जेड में। आज मैं आप सभी को इस वीडियो में 42 इंच सीने का अस्तर वाला अरेब कट ब्लाउज बताने जा रही हूँ। इसमें आप देखेंगे कि अस्तर कैसे लगाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम अस्तर का ये कपड़ा ले लेंगे और ये ब्लाउज का पीस है। ये देखिए, अस्तर वाला कपड़ा है, पूरा एकदम न्यू है। इसे हम निकाल कर टेबल पर अच्छे से बिछा लेंगे। देखिए, इसको हम पहले अच्छे से एकदम टेबल पर बिछा करके ऐसा मोड़ेंगे कि सीने का चौथाई हिस्सा प्लस 2 इंच आ जाए। सीने का चौथाई हिस्सा मतलब जितना भी सीना है उसको 4 से भाग देंगे, जितना भी आएगा उतना हम ले लेंगे। ये देखिए, इसको मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद सीने का चौथाई हिस्सा आना चाहिए। सीना 42 है तो 42 को 4 से भाग देंगे तो 10.5 आएगा। 10.5 प्लस 2 इंच, 12.5 हम इसकी ये देखिए चौड़ाई ले लेंगे। 12.5 इसकी चौड़ाई है और इसको अच्छे से हम मोड़ देंगे, कहीं भी सिकुड़न ना हो नीचे की ओर। अब इसकी लंबाई नापेंगे। लंबाई हमें 14 रखना है तो 15 इंच हम इसकी लंबाई लेंगे ताकि 1 इंच मार्जिन के लिए हो जाए। और अब 6 इंच चौड़ा और 6 इंच लंबा एक निशान लगाएंगे। देखिए, और इसको कपड़े के खुले हिस्से से ले जाकर मिला देंगे। अब कमर जितना भी उसका चौथाई हिस्सा प्लस 2 इंच निशान लगाकर इन दोनों निशान को तिरछा मिला लेंगे। अब 3 इंच चौड़ाई का और 3.5 इंच नीचे से चौड़ाई का हम गला बना लेंगे। गला आपको जितना भी लंबा रखना है पीछे का उतना लंबा रख लेंगे। इसमें 8 इंच लंबाई मैंने रखी है और गोलाई बना लेंगे। अब 2.5 इंच आर्म होल के एक साइड और 2.5 इंच एक साइड और बीच से 1.5 इंच पर एक निशान लगा करके गोलाई बना लेंगे। अब कंधे के बीचों बीच से 10 इंच पर निशान लगाकर एक सीधी लाइन बना लेंगे और काट लेंगे इन सबको। देखिए, इसको निशान के ऊपर से काटना है हमें। और देखिए, गला भी काट लेंगे निशान के ऊपर से। ये देखिए, हमारा पीछे का पोर्शन कट चुका है। अब ये जो निशान है दूसरी साइड लगाने के लिए इसको उल्टा रख करके ऐसे हम निशान लगा लेंगे। अब आगे का निशान लगाने के लिए जो पीछे वाला पोर्शन है उसे वापस से मोड़ करके मोड़ लेंगे अच्छे से इसको, और जो आगे वाला कपड़ा है उस पर हम रखेंगे। इसको पूरा मोड़ लेंगे अच्छे से। अब आगे वाला कटिंग करते समय हमें नीचे से इसकी लंबाई 1 इंच एक्स्ट्रा होनी चाहिए और चौड़ाई में भी ये 1 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए, क्योंकि नीचे प्लेट देते समय कपड़े छोटे हो जाएंगे अगर हम इसी नाप का काटेंगे तो। इसीलिए 1-1 इंच हमें लंबाई और चौड़ाई एक्स्ट्रा रखनी है। अब सेम पीछे देखिए, 1 इंच हमने चौड़ा रखा है। जैसा पीछे कटा उसी तरह हम निशान लगा लेंगे। और गला हमें 5.5 इंच का रखना है आगे का। आप चाहें तो उससे कम या ज्यादा भी रख सकती हैं। अब इसको हम काट लेंगे अच्छे से। कटिंग करते समय हमें थोड़ा सा ये जो आस्तीन है, ये जो आर्म होल है, वहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा काटना है ताल शेप के लिए, ताकि जब हम आस्तीन लगाएं तो सिकुड़न ना आए, हमारे झोल ना आए। देखिए, अब हम कमर ऊंचाई आपकी जितनी भी है उतने पर हम निशान लगा लेंगे।
ये मैंने 12 पर निशान लगाया कमर ऊंचाई और एक सीधी लाइन बना लेंगे। अब जहाँ पे बटन लगता है वहाँ से हम आधा इंच एक्स्ट्रा ऊपर लेते हुए निशान लगाकर ऐसे हल्का सा गोलाई बना लेंगे। अब हम डॉट लगाएंगे कंधे से बीचों बीच 8.5 इंच पर हम एक डॉट लगाएंगे, 8.5 या 9। अब डॉट से 1.5 इंच छोड़ करके आर्म होल की तरफ एक निशान लगा लेंगे और दूसरे साइड भी एक निशान लगा लेंगे 1.5 इंच छोड़ करके। नीचे की ओर भी हमें 1.5 इंच छोड़ करके निशान लगाना है, हमें 1.5 इंच छोड़ना है। और जहाँ पे हुक लगाते हैं वहाँ भी हम 1.5 इंच छोड़ करके निशान लगा लेंगे। आर्म होल की तरफ हमें 2 इंच छोड़ना है। देखिए दोनों साइड हम ऐसे ही निशान लगा लेंगे। अब हम ये जो ब्लाउज वाला कपड़ा है उस पर हम ये जो कटिंग की अस्तर की वो हम रख लेंगे अच्छे से और उस पर कच्ची सिलाई कर लेंगे। को अच्छे से हम दूसरी साइड भी निशान लगा लेंगे। और हम इसको रख लेंगे अच्छे से कपड़े के ऊपर और इस पर हम कच्ची सिलाई चला लेंगे। दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सरल सिलाई A to Z के नाम से फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं ऐसे ही वीडियो अपलोड करती हूँ। तो देखिए हम कच्ची सिलाई कर लेंगे चारों तरफ ताकि जब हम सिलाई करें तो ये भागे ना, कपड़ा इधर उधर ना हो। और जब ये पूरा ब्लाउज बन जाएगा तो ये जो सिलाई है कच्ची इसे हम निकाल देते हैं। कितने लोग चिपकाते भी हैं कपड़ा, लेकिन चिपकाने से अच्छा मुझे ये कच्ची सिलाई लगती है तो मैं यही करती हूँ। ये देखिए कच्ची सिलाई करने के बाद कटिंग कर लेंगे सबकी। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। ये अस्तर वाला कपड़ा थोड़ा छोटा था तो मैंने दूसरा कपड़ा लिया आस्तीन के लिए। अब देखिए आस्तीन की चौड़ाई जितना भी, लंबाई तो आप जितना भी चाहें उतना रख सकती हैं। मैंने लंबाई इसकी 5 ली है, ये इसकी लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो चौड़ाई 10.5 होगी। जितना भी सीना होता है उसका चौथाई हिस्सा जितना भी आता है वो आस्तीन की चौड़ाई होती है। आस्तीन काटते समय उतना ही हमें लेना चाहिए। तो सीना 42 है, 42 को 4 से भाग देंगे तो 10.5 आएगा। 10.5 इसकी चौड़ाई हो जाएगी। मोहरी आपकी जितनी भी है उसका 1/2 प्लस 2 या 1.5 इंच हम निशान लगाकर मोहरी पे दूसरे साइड से 3 इंच पर हम निशान लगाएंगे। और ये जो 3 इंच पर निशान लगाएं उसको ऊपर की ओर कपड़े के बंद हिस्से से मिला करके ये देखिए मोहरी से भी मिला लेंगे। और अब हल्का सा गोलाई बना देंगे। देखिए आस्तीन का डिज़ाइन हमारा तैयार हो गया। अब हम इसे काट लेंगे। देखिए आस्तीन भी कट गई। अब हम इस ये दो कपड़ा है अब दोनों को पकड़कर 1/2 इंच आगे की ओर जो होता है उसे एक्स्ट्रा काटेंगे। एक्स्ट्रा काटने से क्या होता है कि झोल नहीं पड़ता है जब हम पहनते हैं तो आगे की ओर थोड़ा फिटिंग अच्छी आती है। अब हम इसे जो कपड़ा है उस पर हम बिछा लेंगे और कच्ची सिलाई कर लेंगे। ये देखिएगा आप, ये जो कपड़ा है थोड़ा छोटा है और हमें बॉर्डर चाहिए तो ये बॉर्डर तो आ नहीं पाएगा तो इसमें हम थोड़ा सा कपड़ा जोड़ेंगे। कहीं से भी हम ले तो आ नहीं पाएगा, इतना ही कपड़ा हमारे पास बचा है। तो हम पहले इसकी जो आस्तीन की लंबाई है वो नाप करके काट लेंगे और चौड़ाई में हम कपड़ा थोड़ा सा जोड़ देंगे।
ठीक है, हमें 10:30 चाहिए तो ये 7:30 ही आ रहा है, तो हमें कपड़ा जोड़ना पड़ेगा 3 इंच का। अब यहाँ से लेकर के हम थोड़ा सा कपड़ा इसमें जोड़ देंगे, दोनों साइड हमें जोड़ना है। एक साइड जोड़ेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, दोनों साइड हम थोड़ा थोड़ा कपड़ा 2.5-2.5 इंच लंबा जोड़ देंगे। देखिए इसको ऐसे जोड़ करके अब 10:30 आ जाएगा। देखिए जोड़ गया, सिलाई कर ली है हम डबल डबल। अब हम ये जो कपड़ा है ब्लाउज का उसको सीधे पर हम रखेंगे अस्तर का कपड़ा, ताकि हमें मोहरी पर मोड़ना ना पड़े। ऐसे सिल करके इसे पलट देंगे तो हमें मोड़ना नहीं पड़ेगा। इसी तरह हम दोनों साइड हम सीधे पे रख देंगे, सीधी तरफ हम रखेंगे, ध्यान देना है हमें इस चीज का। ये देखिए इस तरफ हम सिलाई चला लेंगे इसको रखकर अस्तर के कपड़े को। अब इसको पलट देंगे, पलटने के बाद एक और सिलाई हम ऊपर से चला लेंगे। ये देखिए हमारी दोनों आस्तीन तैयार हो गई। अब हम सिलाई शुरू करेंगे। अब ये जो दोनों निशान है उसको हम 1/2-1/2 इंच की दूरी पर सिलाई कर लेंगे। ये देखिए सिल गया। अब पीछे का जो है उसे भी हम मोड़ लेंगे, जो नीचे का हिस्सा है उसे भी मोड़ करके हम एक सिलाई चला लेंगे। देखिए पीछे का पोर्शन तैयार हो गया है। अब ये जो आगे हम निशान लगाए थे उसे भी 1/2-1/2 इंच पर हम सिल लेंगे। अब ये जो अरे पट्टी उसे भी हम अच्छे से जोड़ लेंगे। ये देखिए हम इस पर एक सिलाई चलाएंगे दोनों को पकड़ करके। अब इसके ऊपर भी एक सिलाई हम चला लेंगे। ये देखिए दोनों अब नीचे मोड़ेंगे नहीं, हम मोड़ेंगे तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, तो ये हम पट्टी लगा लेंगे। पट्टी लगा लेने से ये छोटा नहीं होगा। ये देखिए नीचे धागा निकल रहा है ना, तो मोड़ने के लिए हमें 2 बार मोड़ना पड़ेगा, और 2 बार मोड़ेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, तो हम पट्टी लगा करके नीचे का भी हम सिल लेंगे। देखिए ये दोनों हिस्सा तैयार हो गया है। अब हम दोनों का कंधा जोड़ देंगे। दोनों के कंधे पर हम डबल डबल सिलाई चला लेंगे। अब हम आस्तीन लगाएंगे, तो जो हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा काटे थे वो आगे की ओर होना चाहिए, तो उसको अच्छे से नाप करके हम आस्तीन लगा लेंगे। ये देखिए दोनों आस्तीन हम ऐसे ही लगा लेंगे, लग गया। अब गले में लगाने के लिए हम तिरछी पट्टियां काट लेंगे।
जो कि 2 इंच चौड़ी होगी, 2 या 1.5 इंच चौड़ी ये होनी चाहिए। ये हम तिरछी तिरछी पट्टियाँ काट लेंगे, जैसे मैं काट रही हूँ वीडियो में। सीधी पट्टी हम नहीं काटेंगे, सीधी पट्टी अगर काट लेंगे तो गला सही से नहीं बैठेगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, इसलिए हम तिरछी पट्टियाँ ही काटेंगे। 4-5 हम कट कर लेंगे, ये देखिए। और बटन लगाने के लिए या हुक लगाने के लिए भी हम 1.5 इंच चौड़ी और 3 इंच चौड़ी 2 पट्टियाँ काट लेंगे। 1.5 इंच चौड़ी वाली दाएं साइड और 3 इंच चौड़ी वाली पट्टी बाएं साइड लगाई जाती है। ये देखिए, जो इसे जोड़ के हम रख लेंगे। ये जो 1.5 इंच वाली है थोड़ी छोटी थी लंबाई में, तो इसे हम जोड़ लिए। अब हम ये जो 1.5 इंच वाली पट्टी है उसे दाएं तरफ हम ऐसे 2 बार मोड़ करके लगा लेंगे और सीधी सिलाई हम चला लेंगे इसके ऊपर। देखिए, एकदम सीधी सिलाई चलाएंगे। अब इसे पलट लेंगे, पलटने के बाद अंदर की ओर मोड़ करके 2 सिलाई और चलाएंगे, एक किनारे और एक थोड़ी दूर पर। ये देखिए, जैसे मैं वीडियो में चला रही हूँ सिलाई इसके ऊपर, वैसे आपको भी चलानी है। ये देखिए, हमारा तैयार हो गया। अब ये जो दूसरी 3 इंच वाली पट्टी है वो भी थोड़ी छोटी थी, तो उसे भी हम जोड़ लेंगे 2 पट्टियाँ काट करके। अब हम अपने बाएं तरफ ये 3 इंच वाली पट्टी को इस तरीके से मोड़ करके 1 इंच छोड़ करके किनारे से हम एक सीधी सिलाई चला लेंगे। अब इसे इस तरीके से मोड़ करके, एक और बार मोड़ करके हम इस पर सीधी सिलाई चला लेंगे। यहाँ पर हम हुक फंसाने के लिए आई बनाएंगे, 2 सिलाई चला लेंगे। देखिए, कंप्लीट हो गया। अब ये जो हम तिरछी पट्टी काटे थे उसे आपस में जोड़ लेंगे। देखिए, इसको हम सबको ऐसे जोड़ लेंगे। अब हम इसे गले पर लगाएंगे, तो इसको ऐसे एक बार मोड़ेंगे, फिर ऐसे 2 बार मोड़ करके हम गले पर लगा लेंगे और खींच खींच कर हम सिलाई चलाएंगे। जो पट्टी है उसे हम हल्का हल्का खींचेंगे ताकि गले की जो गोलाई है वो अच्छे से आए। अब देखिए, इसको इस तरीके से मोड़ करके एक बार हम किनारे सिलाई चला लेंगे। किनारे एकदम अच्छे से हमें सिलाई चलाना है। और अब आगे की ओर भी हम सिलाई चलाएंगे। आगे की ओर भी सिलाई चलाने के बाद हम देखेंगे तो ये बहुत अच्छे से गला बैठ जाएगा, इसलिए हम आगे की ओर भी एक बार और चला लेंगे। ये देखिए, डबल डबल सिलाई चल गई। अब इसे उल्टा करके हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो फिटिंग का निशान लगाने के लिए इसे ऐसे डबल फोल्ड करके एकदम अच्छे से रख लेंगे, बिल्कुल भी सिकुड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिटिंग गलत हो जाएगी। इसको अच्छे से रख लेंगे। अब हम सीना जितना भी है उसको 4 से भाग देंगे, जितना भी आएगा निशान लगा लेंगे। सीना 42 है तो 10.5 आएगा 4 से भाग देने पर, हम सीने का निशान लगा लेंगे। कमर हमारा 38 है तो 9.5 आएगा, तो 9.5 पर हम निशान लगा लेंगे। और मोहरी का आधा, मोहरी जितना भी उसका आधा हम निशान लगा करके दोनों साइड हम निशान लगा लेंगे। ये देखिए, दोनों साइड हम ऐसे ही निशान लगा लेंगे, सीने का चौथाई हिस्सा, कमर का चौथाई हिस्सा और मोहरी का आधा। हम अच्छे से निशान लगा करके ये सीधा मिला लेंगे सारे निशान को। अब इस पर हम सिलाई चला लेंगे अच्छे से, डबल डबल सिलाई हमें चलाना है। ये देखिए, सिलाई चलाने के बाद ये ऐसा लगेगा। ब्लाउज हमारा बन गया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।